मैं स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू पढ़ाई करते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा दसवीं में हिंदी क्षितिज भागवो का काव्य खंड 4 आत्मकथन। इसके आज हम प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछली क्लास में हमने इसके कवि का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखा था और पदों के भावार्थ, प्रसंग और कठिन शब्दों के अर्थ देखे थे। आज इसके प्रश्न उत्तरों को हम समझेंगे। तो प्रश्न पहला है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? क्यों बचना चाहता है? क्योंकि कवि का जीवन बहुत ही कष्टमय था और आत्मकथा अगर कवि लिखेगा अपने जीवन की पूरी, तो उसको पुराने पल याद करना पड़ेंगे, जिससे उनको क्या होगा, कष्ट होगा। पुराना समय कोई भी याद नहीं करना चाहता, तो उसकी उससे हमेशा दुख ही मिलता है। इसका उत्तर हम देखेंगे कि कवि मानते हैं कि उनके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी जिसकी सराहना की जाए। उसे लगता है कि उनके अभावों से भरी जिंदगी की कथा सुनकर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और वह अपना उपहास या मजाक नहीं उड़वाना चाहता। और एक कारण यह भी है कि कवि चाहते हैं कि आत्मकथा लिखने से उन्हें अपने दुख दर्द फिर से याद आ जाएंगे और वह फिर से दुखी हो जाएंगे, जिनको उन्होंने मुश्किल से भूले थे वह भाव फिर से हरे हो जाएंगे। फिर प्रश्न दूसरा कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो अभी समय नहीं है, अभी हमने से पहले प्रश्न का उत्तर देखा था कि हम अपने कष्टों को बड़ी मुश्किल से भुला पाए थे, उनके अतीत को वो बहुत मुश्किल से भुला पाए थे, और अब अगर वह फिर से वही दोहराएंगे तो उससे उन्हें कष्ट ही होगा, दर्द ही होगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि अभी इसका समय नहीं है। तो उत्तर देखते हैं कि अभी समय भी नहीं है। कहने से कवि का तात्पर्य है कि कवि अपनी पीड़ा को, अपने कष्टों को मुश्किल से भुला पाए और अब आत्मकथा सुनाने के लिए वह घाव फिर हरे भरे हो जाएंगे, उन्हें अपना अतीत फिर याद आ जाएगा। जबकि कवि अपने दुख दर्द को किसी से नहीं बांटना चाहते, क्यों? इससे वो बांटेंगे तो उनको लगता है कि वह उपहास का या मजाक का पात्र बन जाएंगे। अब हम आगे प्रश्न को देखेंगे। आगे का प्रश्न है कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर है, स्मृति मतलब होता है बच्चों याद। स्मृति का मतलब होता है याद और पाथेय का मतलब होता है कि रास्ते के लिए जो हम भोजन या खाने पीने का सामान रखते हैं। पाथेय मतलब रास्ते के लिए रखा गया खाना या भोजन। रास्ते के लिए रखा गया भोजन उसको पाथे बोलते हैं। पाथे मतलब होता है। उत्तर है कि कवि अपने जीवन की जो मधुर स्मृतियां हैं वह उनको अपना संबल मानते हैं और वही उन्हीं स्मृतियों के सहारे वह अपना जीवन जी रहा है। जो पुरानी यादें थी, जो पुरानी स्मृतियां थी, उन्हीं अच्छी स्मृतियां थी, उन्हीं के आधार
जीवन को जी रहे हैं। और यही जो उनकी स्मृति है पुरानी अच्छे दिनों की, वह उनका क्या है, पाथे रानी का पाथे मानता है। पाथे मतलब होता है कि राह में खाने के लिए रखी गई कौन सी खाद्य सामग्री या भोजन। कि राहगीर है, पथिक है, कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में अगर भूख लगती है, प्यास लगती है, तो कुछ खाने पीने का सामान रखा जाता है, उसको पाथे कहते हैं। तो अच्छी स्मृतियों को कभी क्या बोलते हैं कि हम उस पाथे के समान है, जिनके आधार पर हम अपना आगे का जीवन आसानी से जी सकते। फिर प्रश्न की भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इसका उत्तर है कि कवि कहना चाहते हैं कि उसे जीवन में सुख मिला ही नहीं, अर्थात उनके जीवन में सुख के पल जो थे वह बहुत ही कम थे। तो तात्पर्य ये है कि उतने छोटे से सुखी जीवन में वो कभी कहते हैं कि इतने छोटे को क्या बोलूं कि मेरे जीवन में सुख मिला। जिस प्रकार स्वप्न टूट जाने पर यथार्थ बिल्कुल अलग होता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में क्षणिक स्वप्न जैसा ही था कि आंख खुली और हमारा अच्छा जो हम सपना देख रहे थे हकीकत से दूर, जो सपना देख रहा है तो वह कहता आंख खुली और टूट गया, उसी तरह मेरे जीवन के सुख में सपने के जैसे। अब वास्तविक जीवन में उससे अलग है, अर्थात अब मेरा जीवन तो दुखमय जैसे है। और क्या था, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया, मेरी आंख खुलती और मेरे स्वप्न में से सुख क्या थे, मुस्कुरा कर चले गए। अब मेरा प्रश्न दूसरा, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमा। इसका है भावार्थ कि कवि अपनी प्रेसी की सुंदरता का वर्णन करते हुए उसकी यादों में खो जाते हैं। अरुण कपोलों मतलब वह बोलते हैं कि उनकी जो प्रियतमा थी उसके जो लाल लाल गाल थे वह कैसे थे। वह कहते हैं कि उसके गालों की लालिमा उदित होते उषा काल के सूर्य की लालिमा के समान थी। कैसी थी कवि की प्रियतमा की गालों, लाल लाल गालों की लालिमा जैसे कि सुबह सुबह का सूरज उग रहा है। जब सुबह सूरज उगता है तो वो जो लालिमा लिए हुए रहता है वैसे ही उनकी प्रेसी या प्रियतमा के गालों की लालिमा थी। वह कवि के जीवन में अनुराग भर देती थी, वह कवि के जीवन में प्यार अनुराग भर देती थी। अब हम इसी में आगे देखेंगे, आगे के प्रश्न कि कवि और अपने आत्मकथा के विषय में क्या कहते हैं। प्रश्न है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी गाथा की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो उत्तर है कि कवि ने जो समय अपनी प्रेसी के साथ बिताया है उसे वह उज्जवल गाथा कह रही है, क्योंकि वह उतना ही क्षण उनके जीवन में सुख वाला था। कवि कहते हैं कि ये मधुर चांदनी रातों की स्मृतियां उनके जीवन का संबल है, उनके जीने का आधार है। वह उन बातों को कहकर सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता, अर्थात वह अपनी गाथा किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। अगर वह अपनी उन कवि के मित्र उनको आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में सुख का समय बहुत कम था, मैं उनको किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जो अच्छी यादें
मेरे जीने का आधार है। मेरे प्रश्न की आत्म तथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण समझें। तो उत्तर है आत्म तथ्य कविता की भाषा का विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, खड़ी बोली के परिशुद्ध रूप का प्रयोग किया गया है। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें नवीन प्रतीकात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया है और कवि के सहज उद्गारों में अलंकारों की छटा निखर कर आई है। किसकी आई है छटा? अलंकारों की। इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया है और कोई भी अलंकार जबरन नहीं उन्होंने प्रयोग किया। जैसे अनुप्रास अलंकार की कौन कहानी या मेरे मौन रहा थके पतिति की पंथा की। फिर मानवीकरण की अरे सरल के तेरी हंसी उड़ाऊ में अनुरागिनी उषा लेती थी निज स्वभाव में। इनमें क्या है? इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार। फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आलिंगन में आते आते कोमल भावों से परिपूर्ण कविता है जो पाठक के हृदय को भावनाओं से भर देती है। अतः कवि ने अपनी इस कविता में अनुप्रास अलंकार का, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बहुत ही अच्छा वर्णन किया। फिर प्रश्न कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप से अभिव्यक्त किया गया है? तो उत्तर है कि कवि ने भी औरों की तरह अपने जीवन में रंगीन सपने बुने थे। ये तो सभी अच्छे दिनों के अच्छा समय है तो भी और अच्छे समय के आने वाला समय सभी इंसान सोचता है कोई भी व्यक्ति हो कि हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, रंगीन होगा, रंग बिरंगे सपने होंगे और जो सपने हम आज देख रहे हैं वह भविष्य में हमारे सपने पूरे होंगे। सब अच्छा ही सोचते हैं, कोई बुरा नहीं सोचता कि हमारे भविष्य में ऐसा होगा। वैसे ही कवि ने भी सोचा कि मेरे औरों की तरह मेरे जीवन में भी बहुत अच्छा समय आएगा। उन्होंने बहुत रंग बिरंगे अपने सपने देखे थे। वह अपनी प्रेतमा के साथ जीवन बिताना चाहते थे और यह विडम्बना रही कि उसका स्वप्न साकार नहीं हो सका और उनका सुख का यह सपना टूट गया। कवि के सुख स्वप्न में उनकी प्रेसी और प्रेम था जो निम्नलिखित पंक्तियों में दिखाई देता है। जिसके अरुण कपूरों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी तो निज स्वभाव की मधुमाया में। इनमें क्या है? इन पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अब है प्रश्न की रचना और अभिव्यक्ति की इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व में कुछ पहलू जागरूक हुए हैं जो इस प्रकार है। पहला है कि सादगी भरा व्यक्तित्व। कवि कहते हैं कि छोटे से जीवन की बड़ी घटनाएं आज कैसे कहूं। कवि विनम्र है। वह अपने आत्मकथा लिखने के लिए बड़ी विनम्रता से मना कर देते हैं। कवि योग्य है पर अपना कड़कपन नहीं दिखाना चाहते और वह कहते हैं कि मेरी कहानी में तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसको मैं बता। फिर है कि अपने को धोखा देने वाले को सलामना उलाना भी देते हैं कि मेरी विनम्रता में तुम्हारा भी बखान होगा और मैं यह नहीं चाहता। फिर कवि अंतर्मुखी है। वह अपने जीवन के निजी पहलुओं को प्रकाशित नहीं करना चाहते। वह अपने जीवन के निजी पहलुओं को किसी के साथ बांटना भी नहीं चाहते। फिर है प्रश्न कि आपके व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? ये बच्चों के लिए है। उत्तर है कि सफल व्यक्तियों की आत्मकथा
पता चलता है कि उन्होंने किस प्रकार के संघर्षों से लड़कर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आप हमारा जो आदर्श है, तो हम उनके जीवन की कथा पढ़कर भी उनके गुणों का, सद्गुणों का, अच्छे गुणों का हम क्या कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। तो सफल व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ने से हमें यह ज्ञान होता है कि उन्होंने किस प्रकार के संघर्षों का सामना करकर अपने जीवन में सफलता हासिल करी, या उन्होंने अपने जीवन को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया और उन्होंने अपने जीवन कैसे जिया। मैं महात्मा गांधी की आत्मकथा को पढ़ना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी ने कैसे कर, इसलिए हम महात्मा गांधी की आत्मकथा को पढ़ना चाहेंगे। फिर दूसरा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, उनकी क्या अग्नि की उड़ान पढ़ना चाहूंगा या चाहूंगी कि उन्होंने जो विज्ञान के नए नए आविष्कार किए हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त होगी कि उसमें उन्होंने किन किन बाधाओं का या परेशानियों का सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। क्योंकि महात्मा गांधी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद दोनों महापुरुषों का व्यक्तित्व मुझे बहुत प्रकाशित करता है। यहाँ तो हमने महात्मा गांधी और डॉक्टर कलाम की बात करी, हो सकता आपका आदर्श या आप किसी और के विषय में जानना चाहते हैं तो आप उनकी भी आत्मकथा पढ़िए और उसका अनुसरण कर अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने की आप उनका अनुसरण, उनके बातों का, उनके ज्ञान का अनुसरण कर सकते हैं।